नमस्कार दोस्तों, जी है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A50। ये देखिए, जी है मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A50। और दोस्तों, इस फ़ोन में एक नया अपडेट आ चुका है इसी महीने में दोस्तों, कल परसों में ही आया है, कल में आया है। तो दोस्तों, आज मैं आपको इसी अपडेट के बारे में बताऊंगा कि ये अपडेट दोस्तों हमें इस फ़ोन में किस लिए मिला है, अभी इसका साइज़ क्या है और क्या ये आपको अपडेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों मैं आपको शॉर्ट में बताऊँ तो दोस्तों, ये जो अपडेट है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहे आप इसे करो या ना करो, आपको कुछ ही फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो दोस्तों, पूरा डिटेल में मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों इस तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इस अपडेट के साइज़ की। और दोस्तों, उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ इस अपडेट का साइज़। दोस्तों, जी जो अपडेट है मैं आपको दिखाता हूँ, ये ज़्यादा बड़ा अपडेट नहीं है। ये देखिए, इस अपडेट की साइज़ की बात करूँ तो सिर्फ 143 MB का है दोस्तों, ये 143 MB का ये अपडेट है। तो दोस्तों, इसमें हमें सिर्फ क्या मिलता है, वो मिलता है सिर्फ सितंबर मंथ का सिक्योरिटी पेच लेवल, और बाकी दोस्तों इसके अलावा हमें इस फ़ोन में कुछ भी नहीं मिलता। एक दो फीचर ऐसे अगर मिल जाते तो भी दोस्तों अच्छा रहता। तो दोस्तों, हमें सिर्फ इसमें सिक्योरिटी पेच लेवल देखने को मिलता है अगस्त सितंबर महीने का, और बाकी कुछ भी नहीं मिलता। और वहीं दोस्तों, छोटे मोटे एक आध बक्स होंगे वो फिक्स कर दिए गए हैं। तो अगर आप इस अपडेट को करना चाहते हो तो कर लो, वरना कोई इतना ज़रूरी नहीं है कि आप इस अपडेट को करो, क्योंकि जिसके बाद दोस्तों कोई बड़ा अपडेट आएगा तब आप दोनों को एक साथ कर सकते हो, और आपको अगर करना है तो आप कर सकते हो, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो दोस्तों, यही छोटा सा अपडेट था A50 में जो हमें इस अक्टूबर मंथ में मिला है। और दोस्तों, सबसे अच्छी बात तो ये है कि ये जो अपडेट आते हैं दोस्तों छोटे मोटे, ये A50 में अभी भी टाइम टू टाइम आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये छोटे मोटे अपडेट A50 में दोस्तों 2 महीने बाद 3 महीने बाद आते हैं। इस तरह के दोस्तों जो अपडेट होते हैं, A50 टाइम पर दे रहा है अभी भी A50 में। तो ये एक अच्छी बात है कि A सीरीज़ में A50 काफ़ी अच्छा फ़ोन है, जिसमें हमें टाइम पर अपडेट मिलते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि मैं इस तरह की वीडियो आपके लिए लाता रहता हूँ। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।